हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमिन मलिक टीवी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नसीरुद्दीन हुमायूं की। नसीरुद्दीन हुमायूं जो मुगलों का दूसरा बादशाह था, नसीरुद्दीन हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह बना। नसीरुद्दीन हुमायूं तो हिंदुस्तान का बादशाह तो बन गया, मगर उसकी ज़िंदगी का निसब हिस्सा जिला वतनी और सहराओं में गुजरा। कुछ अरसा बाद वो अपने ही भाइयों की गद्दारी की वजह से अपनी सल्तनत खो बैठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दोबारा हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने में कामयाब रहा। मैं मोमिन मलिक और आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन था हुमायूं और उसकी ज़िंदगी के बारे में। नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ। हुमायूं की उम्र अभी 17 साल की थी कि वह अपने बाप जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को मुल्की मामूलात में मशवरा देने लगा था। उस वक्त बाबर का सबसे बड़ा चैलेंज पानीपत की जंग थी, जिसमें उसे सुल्ताने दिल्ली इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी का आखिरी बादशाह था, उसका सामना था। बाबर ने उसे 1526 ईस्वी में पानीपत की इस पहली जंग में शिकस्त दी और हुमायूं को एक अहम चैलेंज दिया। उसे लोदी के एक अहम कमांडर हामिद खान से मुकाबला करना था, क्योंकि उसके जिम्मे ये काम था कि वो यानी हामिद खान बाबर और हुमायूं को पंजाब में आगे बढ़ने से रोके। भारतीय रियासत हरियाणा में दिल्ली से 164 किलोमीटर की दूरी पे हिसारे फिरोजा के मुकाम पर हुमायूं और हामिद खान का आमना सामना हुआ। यही हुमायूं ने इब्राहिम लोदी के इस अहम कमांडर को शिकस्त दी थी। पानीपत की इस पहली लड़ाई में बाबर की जीत हुई और वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। जब बाबर दिल्ली के तख्त के लिए आगरा में दाखिल हुआ, तो उस वक्त हुमायूं ने कोहे नूर और ग्वालियर के खजाने अपने बाप के हवाले किया, लेकिन बाबर ने कोहे नूर हुमायूं को बतौर तोहफा वापस लौटा दिया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद बाबर मुसलसल अपने बेटे की जंगी तरबियत करता रहा। 1527 ईस्वी में जब बाबर को अपने पुराने इतिहादी राणा संगा की बगावत को कुचलने का वक्त आया, तो उस वक्त भी हुमायूं बाबर के साथ था। ये जंग कनवाह की जंग कहलाती है, जिसमें बाबर ने राणा संगा को शिकस्त दी थी। 1528 ईस्वी में 20 साल की उम्र में हुमायूं को बदख्शां का गवर्नर मुकरर कर दिया गया। उसकी जंगी खिदमात के लिए बाबर ने उसे हिसारे फरोजा की जागीर दी। इस जागीर को तोहफे में देने का मतलब ये होता था कि वो बतौर हुकूमती मामूलात में अपनी राय और खिदमात सर अंजाम दे सकता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर ने आगरा में वफात पाई और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं को तख्त पर बिठा दिया गया और दूसरा मुगल हुक्मरान बन गया दिल्ली का। इस मौके पर सोने से भरी हुई किश्तियां लोगों में तकसीम करवाई गई। हुमायूं के तख्त नशी होते ही निजामे सल्तनत में इस्तकाम आने लगा, तो बगावतों की सदाएं गूंजने लगी। कहीं उसके भाई तो कहीं बाबर के फौज के आला अफसरान उसके मुखालिफ खड़े हो गए। उसका भाई कामरान मिर्ज़ा, जो काबुल और खानदार का हाकिम था, अब उसने पंजाब का हाकिम बनने का मंसूबा तैयार कर लिया और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो काबुल से हिंदुस्तान रवाना हो गया। ताहम हुमायूं ने उसके मंसूबे से आगाह होते हुए भी उसे पंजाब और पेशावर का सूबेदार मुकरर कर दिया। इस इकदाम से फौरी तौर पर कामरान की बगावत का अंदेशा टल गया। इसके बावजूद उसके खतरे कम न हुए और वो अपने चारों एतराफ बागियों में घिरता चला गया। उसने जौनपुर के पठान, बंगाल के अफगान
और गुजरात के सुल्तान हर एक से मुकाबला किया और एक एक करके उनकी बगावतों को कुचलता चला गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं था कि उसके भाई कामरान मिर्ज़ा और मिर्ज़ा हिंडल ने भी उसे मुसलसल मुसीबत में डाला हुआ था। कामरान मिर्ज़ा लाहौर से 10,000 घुड़सवार लेकर हुमायूं के तख्त पर हमले के लिए निकला और वो भी ऐसे वक्त पर जब हुमायूं दिल्ली में नहीं था। वो रोहतास में ऐसे बागी से लड़ रहा था जो कभी उसके बाप बाबर बादशाह का मुलाजिम हुआ करता था। लेकिन ऐसे में दिल्ली में उसके कमांडर फखरुद्दीन अली ने कामरान मिर्ज़ा और हिंडल को नाकाम बना दिया। कामरान मिर्ज़ा शिकस्त खाकर लाहौर वापस आ गया। वो तो वापस आ गया लेकिन हुमायूं शेर खान से मुसलसल शिकस्त खाता चला गया, यहाँ तक कि शेर खान ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया और हुमायूं दिल्ली का तख्त छोड़कर ईरान में जिला वतन हो गया और शेर खान ने हिंदुस्तान की हुकूमत को संभालकर सुल्ताने सूरी का बुनियाद रखी और खुद शेर खान से शेर शाह सूरी का लकब इख्तियार कर लिया। अब जिला वतनी हुमायूं का मुकाबला शेर शाह सूरी के साथ था। शेर शाह सूरी हुमायूं को कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों में शिकस्त देता चला गया, यहाँ तक कि हुमायूं दरियाए रावी पार करके दर दर की ठोकरें खाता चला गया। ये उसके लिए बहुत मुश्किल का वक्त था। इसी दौरान उमरकोटे के मकाम पर उसके बेटे अकबर की पैदाइश हुई। बचते बचाते नसीरुद्दीन हुमायूं 11 जुलाई 1543 ईस्वी को हिरात पहुंचा, जहां उसका इस्तकबाल शाह ईरान के बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा ने किया। वो अपनी बीवी हाजी बेगा बेगम और 40 अफराद के हमरा ईरान पहुंचा था। 1544 ईस्वी में शाह तैमूसफ सूफी से मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम हो गए। शाह तैमूसफ ने हुमायूं को शाह शान फौज का लश्कर देने का इंतज़ाम किया। 30,000 की फौज के साथ हुमायूं को पंजाब पर लश्कर कुशी के लिए रवाना किया। हुमायूं तबरेज और मशहद के रास्तों से होता हुआ खानदार पहुंचा, जहां उसका भाई अस्करी मिर्ज़ा काबिज था। 6 महीने तक खानदार का मुशाहरा जारी रहा और अस्करी मिर्ज़ा इराक को भाग निकला तो हुमायूं ने अपने वादे के मुताबिक खानदार को ईरान के सुपुर्द कर दिया। अब बारी काबुल की थी, जहां हुमायूं का दूसरा भाई कामरान मिर्ज़ा हुकूमत कर रहा था। नसीरुद्दीन हुमायूं का सिपा सालार बहराम खान कामरान मिर्ज़ा के दूसरे सरदारों से मिल चुका था, जिन्होंने हुमायूं को काबुल पर लश्कर कुशी में मदद की और कामरान काबुल छोड़कर गजनी के पठानों के पास फरार हो गया और यूं 9 नवंबर 1554 ईस्वी में काबुल में हुमायूं का कब्जा हो गया। लेकिन कामरान मिर्ज़ा जो हुमायूं का सौतेले भाई था, वो बगावती से बाज ना आया। वो पलट पलट कर वार करता रहा। आखिरकार हुमायूं ने उसे गिरफ्तार करवा कर उसकी आंखों पर सिलाई फिरवा दी और उसे अंधा कर दिया, फिर हज के लिए रवाना कर दिया। वहीं उसका इंतकाल हो गया। 1554 ईस्वी में नसीरुद्दीन हुमायूं काबुल से हिंदुस्तान पर लश्कर कुशी के लिए रवाना हुआ। पंजाब पहुंचते वक़्त उसकी फ़ौज 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हुमायूं के अज़्म में कोई खलल ना आया। वो पेश कदमी करते हुए मुल्तान पंजाब के दरमियान शेर शाह सूरी के तामीर करदा किला रोहतास पर काबिज़ हो गया और फिर दीपालपुर और दूसरे शहरों पर कब्ज़ा करता चला गया और 12 फरवरी 1555 ईस्वी में वो 15 साल की जद्दोजहद के बाद वो पंजाब का हाकिम बन गया। और अब सिकंदर शाह सूरी दिल्ली से 80,000 घुड़सवार फौज और बहुत सी तोपों और हाथियों के हमरा खुद मुकाबले के लिए निकला।
18 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के मकाम पर दोनों फौजों के दरमियान फैसलाए-कुन जंग लड़ी गई, जिसमें आइंदा के 300 साल की हुकूमत का फैसला कर लिया गया। इस जंग में सिकंदर शाह सूरी की शिकस्त हुई और वो शिवालिक के पहाड़ों की तरफ चला गया। 15 साल की तवील जिलावतनी के बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हिमायूं को दोबारा दिल्ली का तख्त नसीब हुआ, मगर इस बार ये खुशी और कामयाबी चंद रोज की ही बाकी रह सकी। वो जनवरी 1556 ईस्वी को अपने नए तामीर किए किले दीन पंच में कुतुब खाने की बालकनी में चहलकदमी करते हुए दरिया से आने वाली ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही नमाज मगरिब का वक्त हुआ, वो नीचे नमाज के अदा करने के लिए उतर ही रहा था कि वो सीढ़ियों से गिरकर सर के बल गिरकर वो बेहोश हो गया, और उसी बेहोशी के आलम में वो 48 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा और हिमायूं को दिल्ली में ही दफना दिया गया। उसकी कब्र पर उसके बेटे ने एक मकबरा तैयार करवा दिया, जिस मकबरे को आज भी मकबरे हिमायूं के नाम से जाना जाता है। तो गाइज, ये थी मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हिमायूं की कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।